हमारे इंडिया में बहुत जो लोग हैं वो अंजीर का सेवन करते हैं, पर बहुत लोगों को नहीं पता कि अंजीर हमें किस टाइम यूज़ करना चाहिए, कौन कौन यूज़ कर सकता है और इसके हमें क्या बेनिफिट होंगे। बहुत सारे जो लोग इंडिया में अंजीर खाते हैं ना, वो डायरेक्टली पॉकेट से निकालते हैं और डायरेक्टली खा लेते हैं। पर गाइस, अगर आप रॉन्ग तरीके से खाते हो, गलत तरीके से खाते हो, तो आपको इससे जो रिज़ल्ट मिलने वाले हैं वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ क्विक में। अगर आप बहुत रनिंग वगैरह करते हो या फिर वर्कआउट वगैरह करते हो तो बहुत जल्दी स्टैमिना नहीं होता आपका, आप बहुत जल्दी थक जाते हो, तब आपको अंजीर बहुत ही हेल्प करता है। अगर आपकी एनर्जी बहुत ही कम है तो एनर्जी को एक नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए, एनर्जी थोड़ा बढ़ाने के लिए बहुत ही अंजीर हेल्प करता है। तो चलिए तो डिटेल में बात करते हैं तो अंजीर के क्या क्या बेनिफिट होंगे और मार्केट में आपको कौन से अंजीर लेने चाहिए। तो वैसे अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्केट में आपको काफ़ी तरह के अंजीर मिल जाएंगे, जो कि 2000 रुपये किलो वो भी मिल जाएंगे, 500 रुपये किलो वाले वो भी मिल जाएंगे, 1000 रुपये किलो वाले वो भी मिल जाएंगे और ऑनलाइन तो आपको 700-800 रुपये किलो वाले भी मिल जाएंगे। बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के अंजीर आपको ऑनलाइन या फिर शॉप पे मिल जाएंगे, पर आपको कौन सा अंजीर लेना है जो कि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। तो आपको जो अंजीर है ना, थोड़ा कॉस्टली लिया तो भी चलेगा जगह, क्योंकि अंजीर जो फूड है ना वो बहुत सारे आपको मिल जाते हैं और बहुत मतलब गंदे रहते हैं, ब्लैक ब्लैक तरह के रहते हैं, मतलब ब्लैक कलर के दिखते हैं। तो उस तरह के आपको अंजीर बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप देखिए कि जो क्वालिटी वाले अंजीर रहते हैं, मतलब थोड़ा कॉस्टली वाले अंजीर रहते हैं ना, वो हमेशा साफ़ सुथरे रहते हैं। मार्केट में आपको बहुत ही कम प्राइस में अंजीर मिलते हैं ना, उसके ऊपर आप देखिए कि कुछ ना कुछ रहता है, मतलब आप इसे कुछ फंगस वगैरह बोल सकते हो, फंगस रहता है और इतने क्लीन नहीं रहते। तो भाई इससे क्या होता है कि आपको खाने में थोड़ा अलग लगता है, और जब आप इसको भिगो के खाते हो, मैं आगे आपको बताऊँगा कि आपको किस तरह से खाना है, जब आप इसको भिगो के खाते हो तो आप देखोगे ना तो बहुत ही अलग फंगस लगता है और टेस्ट जो है उसकी थोड़ा अलग टाइप के लगता है। कुछ कुछ जो अंजीर रहते हैं उसके ऊपर तो मिट्टी भी रहती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह के अंजीर लेने हैं गाइस। जो आपको क्लीन अंजीर मिले, थोड़ा कॉस्टली आए तो भी चलेगा, जो रस्सी के अंदर लगा के रहते हैं अंजीर, आप वो वाले अंजीर लिए जो मार्केट के ऊपर जो बाहर मिलते हैं रेडी के ऊपर, तो उनसे थोड़ा बच के रहिए। आप ले सकते हो पर थोड़ा चेक कर लीजिए कि क्या अंजीर अच्छे तरीके से क्लीन है, तभी आप वो अंजीर लीजिए। और जो अंजीर है ना वो रस्सी के अंदर जो डालते हैं, तो जब आप निकालते हो ना तो एक एक अच्छी तरीके से निकलना चाहिए, बहुत सारे अंजीर एकदम से चिपक जाते हैं सारे के सारे। तो उस तरह के अंजीर आपको नहीं लेने हैं। खास करके ध्यान रखना है कि कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह उसके ऊपर ना हो। तो पैक वाले अंजीर है वो भी मैं आपको प्रेफर करता हूँ। और अब बात करते हैं कि हमें किस तरह से खाना है। तो गाइस आपको इसको ओवरनाइट सोक करके रखना है मिल्क के साथ। जी गाइस, मिल्क के साथ आपको ओवरनाइट सोक करके रखना है। इसके साथ आप चाहे तो 3 या फिर 4 डेट्स भी रख सकते हो, जिसे हम पेंट खजूर बोलते हैं। आप मिल्क में 1 ग्लास मिल्क, मतलब 250 ml मिल्क या फिर 300 ml मिल्क के साथ आपको 3 से लेकर 4 अंजीर भी ऐड करना है। 3 ही खाना है आपको डेली अंजीर। अगर ज़्यादा खाओगे तो आपकी जो पावर है वो बाहर निकल जाएंगी। तो जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक खा लेना है, पी लेना है। ब्रश करने से पहले सबसे पहले जो मिल्क है वो आपको पी लेना है, उसके साथ जो डेट्स है डेट्स खा लेना है और अंजीर भी खा लेना है। तो आपको इस तरह से करना है। वाटर के साथ ओवरनाइट सोक किया तो भी चलेगा। जी गाइस, अच्छे तरीके से पहले जब आप अंजीर ऐड करते हो तो अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लीजिए, फिर उसके साथ थोड़ा पानी ऐड कीजिए। जब आप वाटर के साथ अंजीर ऐड करते हो अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद, ओवरनाइट सोक होने के बाद, आप मॉर्निंग में वो वाटर भी पी सकते हो। अगर आपने ग्लास में ऐड किया है तो आप वो वाटर भी पी लीजिए और मॉर्निंग में डेट्स भी खा सकते हो और अंजीर भी खा सकते हो। तो कहते आप इस टाइम यूज़ कर सकते हो या फिर आप बिफोर बेड, मतलब सोने से आधा घंटा पहले भी आप इसे खा सकते हो सेम तरीके से। तो अगर आपकी एनर्जी वगैरह बहुत ही कम है तो आपको ये एनर्जी एक नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हो तो आपकी एनर्जी है, स्टैमिना है, वो थोड़ा इंक्रीज कर देगा और अच्छे तरीके से आपको डाइट लेना है। अगर अब ये नहीं है कि सिर्फ 1-2 दिन अगर खा लिया तो आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी, कम से कम आपको 15 दिन तो खाना ही चाहिए, उसके बाद जो एनर्जी है वो आपकी एक थोड़ी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। और इसके साथ आप एक अच्छा डाइट कीजिए। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो थोड़ा रनिंग वगैरह करते हैं और उनकी सांस फूल जाती है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। तो गाइस आप भी अंजीर बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा जो कि अच्छे क्वालिटी के अंजीर होंगे। तो गाइस यही था वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कीजिए। सप्लीमेंट खाइए, बॉडी बनाइए। बजरंग बली, जय हिंद।